लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दल पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अपना चुनावी मिशन बढ़ाते बढ़ाते बीजेपी आलाकमान के होम स्टेट गुजरात तक जा पहुंची है और चुनावी हालात कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में अपने मिशन 26 को लेकर थोड़ी चिंता में दिखने लगी है। आखिर क्या है ये मिशन 26 और किस तरह कांग्रेस गुजरात में दे रही है बीजेपी को चैलेंज, ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी पारी में गोता लगाने से पहले कांग्रेस के अधिराज पूरे लाभ लश्कर के साथ गांधी के गुजरात में अपने सियासी अटेंडेंस दे आए हैं। गांधी का गुजरात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद में गांधी को याद करते करते कांग्रेस ने जिस अंदाज में गुजरात में चुनावी दस्तक दी है उससे मोदी की गुजरात योजना थोड़ी सख पकाई हुई लग रही है। पाटीदार नेताओं के बीच एक बड़ा नाम बनकर उभरे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा तो चर्चा शुरू हुई कि जिन पाटीदार वोटों को बीजेपी बिखरा हुआ मानकर चल रही थी उसे चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ कांग्रेस की पहचान हासिल हुई बल्कि इसे गुजरात के अंदरूनी हिस्सों में भी कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूती मिली है। 2014 के आम चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीटों पर कमल खिलाने के बाद बीजेपी को गदगद होते देखा, लेकिन उसकी उन खुशियों को उस समय झटका लगता दिखा जब 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ही गढ़ में उसकी बुनियाद हिल गई। बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में जीती जरूर थी लेकिन उसे 2012 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2017 में नुकसान झेलना पड़ा था। पीएम मोदी का जन्म स्थान वडनगर जो कि ऊंचा विधानसभा के अंतर्गत आता है, विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों मनसा विधानसभा सीट भी गवा दी थी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का गृहनगर है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी जरूर थी लेकिन वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाने और अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही थी। इन बीते 2 सालों में गुजरात में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी शिद्दत के साथ चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाते और जनता के बीच भरपूर समय बिताते देखा गया है। राजनीतिक पंडित गुजरात के ग्रामीण अंचल में कांग्रेस के जनाधार के मजबूत होने का एक फैक्टर इसे भी मान रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पहुंचे उस नुकसान के पीछे कुछ हद तक पाटीदार आंदोलन भी जिम्मेदार माना गया था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन बीते 2 सालों में शहरों में तो बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है लेकिन गांव में पकड़ कांग्रेस के मजबूत होती हुई देखी गई है। ये वो फैक्टर है जो बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है। चुनावी मिशन 2019 को लेकर गुजरात में सेट किए गए बीजेपी के टारगेट 26 के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के होम स्टेट में उसी शानदार जीत को दोहराना बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनने वाली है। गुजरात की दिशा में 58 साल के बाद कांग्रेस के आलाकमान का रुख कहीं ना कहीं सांकेतिक ही सही लेकिन बीजेपी के नेतृत्व को खुल्लम खुल्ला चुनौती देना जैसा ही है। बीजेपी के इस मजबूत गढ़ में कांग्रेस की कोशिशें अगर परवान चढ़ गई और बीजेपी के ड्रीम 26 को तोड़ पाने में सफल रहती है तो इसे कांग्रेस की बड़ी सफलता ही माना जाएगा। हालांकि बीजेपी गुजरात में अभी से सभी 26 सीटों पर जीत को दोहराने के दावे कर रही है लेकिन उसे विधानसभा में पहुंचे नुकसान और उस नुकसान के पीछे कारणों को जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि जनादेश सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के जरिए हासिल की जा सकती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी कॉन्फिडेंट जरूर दिख रही है लेकिन पर्दे के पीछे बढ़ते संकट को टटोल भी रही है और उसे खत्म करने की कोशिश में भी है। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।